आज हम लोग कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा 2019-20 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, ये मैथ विषय का पेपर, इसका कोड 528 है, 72060 है और ये एमपी बोर्ड का पेपर है। इसको क्वेश्चनों को हम लोग देख रहे हैं। ये इसका जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। बहुपद x के पावर 5 - 4 x के प्लस 2 में बहुपद की घात क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर है 5। यानी बहुपद की घात क्या होती है? जो उसकी अधिकतम घात होती है। दूसरा नंबर इसका है, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 में x गुणांक कितना है? तो गुणांक -1 है। हम यहाँ देख रहे हैं x के पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन x और माइनस के बीच कोई संख्या नहीं, तो उसको 1 मानते हैं, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा नंबर इसका समीकरण x माइनस 2 = 4 का एक हल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर 40 हो जाएगा। क्यों हमको इसमें क्या करना है? x और y की ऐसी वैल्यू रखना जिसका जिससे इसका जो मान वो 4 के बराबर आ जाए। तो यदि हम इसका मान 4 रखते हैं, y के मान 0 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी नंबर 40 हो जाएगा। चौथा नंबर, यदि 2x - 3 = 5, तो x का मान ये होगा, हम -3 को पक्षांतर करेंगे दाएं तरफ, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, और 8 में 2 का भाग कर देंगे, यानी 2 × 4 = 8, तो x का मान आ गया 4, यानी सी नंबर। फिर 5 में इसका 2 एक शब्द छालने पर कम से कम एक चीज आने के प्रयोग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/4, सी नंबर हो जाएगा इसका। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला है बहुपद x प्लस 2 का शून्य होगा, तो इसका हो जाएगा -2। क्या करते हैं, इसको हम x प्लस 2 = 0 करते हैं, फिर 2 को पक्षांतर कर देते हैं तरफ, तो इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, मतलब इसका शून्य क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। अब मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, तो इसका यह आ जाएगा। इसी प्रकार 9^1/2 का मान क्या है? 3 है। हम क्या कर सकते हैं, इसे 9 को 3² लिख सकते हैं, 3² ये हो गया, और ये 1/2 लिखा हुआ, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी 3 बचेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर चौथा, PE + PE0 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रायिकता E और प्रायिकता E0 यानी संभव घटना देन असंभव घटना, उसका जो योग होता है 1 के बराबर होता है ना। पाँचवा, इसका शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr² होता है। फिर प्रश्न 3 में एक शब्द के वाक्य में उत्तर दिखने देंगे, इसको देना है। रैखिक समीकरण में चर की उच्चतम घात होती है 1 होती है। बिंदु 3 - 2 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश में है ना, क्योंकि चतुर्थांश में क्या होता है? x का पॉजिटिव होता है, y का नेगेटिव होता है। 2, 3, 4 का समांतर माध्य होगा, इसका जो हो जाएगा 2 × 3 / 4/3 हो जाएगा। जितनी संख्या उसको प्लस कर देंगे और बटे में क्या करेंगे, कुल कितनी संख्या दी हुई, जैसे कि 2, 3, 4 तीन संख्या दी, 3 का भाग कर देंगे, तो हमको उसको क्या मिल जाएगा? समांतर माध्य मिल जाएगा। प्रायिकता का जितना मान 1 होता है, 100 घात के 1 प्रति उदाहरण देना है, तो ये x की पावर 100 हो जाएगा। निम्नलिखित में हमको सत्य सत्य लिखना है, √5 एक परिमेय संख्या, यह सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो यह भी सत्य कथन है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, यह भी सत्य कथन है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह भी सत्य कथन है। वर्ग अंतराल 10 से 15 में 10 वर्ग की उच्चतम सीमा है, सत्य कथन है। क्यों? क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा 15 होगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 से स्क्वायर होगा, यह भी सत्य कथन है। पांचवा, सही जोड़ी बनाना है, -5 / 2 यानी -5 में 2 को जोड़ना, तो ये जाएगा इसका आंसर -3 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में, तो उसका चिन्ह माइनस लिखा जाएगा, यानी सी नंबर -3। फिर ये दिया हुआ यहाँ पास 2/100, इसका हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा, यानी 0.02। इसी प्रकार तीसरा नंबर, 4 × 3 तो 4 × 3 = 12 और -± + हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि -± गुना क्या होता है? प्लस होता है, तो 4 × 3 = 12 ए नंबर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार चौथा नंबर जिसमें दिया हुआ है 0.1,
तो 0.1 इसका जो आंसर होगा एफ नंबर होगा, एफ नंबर क्या है 1/10 दिया हुआ है, भाग करेंगे तो 0.1 आएगा। पाँचवा इसका है 1/3 डी है, यानी इसका जो होगा 2/6, 2/3 6। तो आज हम लोगों ने कक्षा 9 का वार्षिक परीक्षा का गणित विषय का हमने पेपर और इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व किया है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए लोग चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम जो भी अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन लोगों को मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।